अंबाई बुजुर्ग कौशाम्बी उत्तर प्रदेश की ये घटना है जहां लगभग 1000 की आबादी है। इसमें कम से कम 200 से अधिक लोग दलित परिवार के रहते हैं। यहां राम सजीवन नाम का एक दलित व्यक्ति भी रहता है जिसको कीचड़ में गिरने से उसका पैर टूट गया जिससे उसका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इसके अलावा भी एक वरुणा देवी हैं जो कि उनका भी पैर इसी कीचड़ में गिरने से टूट गया है और वो भी 2 साल तक घिसड़ घिसड़ जीती रहीं, उसके बाद उनका देहांत हो गया। दलित परिवार के लोगों की ऐसी हालत नाजुक होती जा रही है। मैं और ये है मेरा दलित समुदाय। मेरा नाम श्री राम सिंह। अच्छा, तो आपके यहाँ क्या समस्या है? हमारे यहाँ 20 साल से खरिंजे नहीं लगे। तो आपको क्या दिक्कत होती खरिंजे न लगने से? चलने फिरने से हमको तकलीफ होती, जो हमारी माँ घर के बच्चे हैं निकालने में उनको तकलीफ होती, गिर पड़ते। हमारी माँ गिर पड़ी, इसका पैर टूट गया, वो स्पायर कर गई, हमारा भी हम भी गिर गए, हमारा पैर बिगड़ गया, हम चलने फिरने से मजबूर हैं। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, कमा के खिला नहीं रहे, बैठे रहते, 1 महीने को हमारे पैर की नस सूजी आई। तो इसके लिए आपने कुछ प्रधान वगैरह से कुछ कहा कि खरंजा लगना चाहिए? हाँ, हम प्रधान से कहा कि खरंजा लगना चाहिए, प्रधान जी खरंजा लगने की कोई सुनवाई नहीं किया। दिक्कतें होती हैं कि हमारे बच्चे नहीं निकल पाते, जानवर निकल नहीं पाते, पानी भरने जाते तो गिर पड़ते हैं, यही समस्या है। और प्रधान जी हमारे दरबार से एक नाली भी निकलवा दिया, कचरा 24 घंटा बहता है, 1 साल हो गए। जितने भी प्रधान आए उन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया, न राम सिंह, न गुलाब सिंह, न करण सिंह, हमारी सुनवाई। मेरा नाम रामपति। खरिंजा में बूढ़ी हमारी गिर गई है सास, जब कूला से पाँ टूट गया, 2 महीने के अंदर खत्म हो चुकी। मैं ये चाहता हूँ कि इस ग्राम सभा में खड़ंजा लगे जिससे कि राम सजीवन जैसे दलित परिवार के व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा किसी और गांव के व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। आप चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं। ग्राम प्रधान का नाम है करण सिंह यादव, इनका नंबर है 8756386668 पर फोन कर आप हमारी मदद कर सकते हैं। मैं महेश कुमार, कड़ा कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।